से रूबरू करवाते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर सूरत हाल इस वक्त ये है कि यहाँ पर भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है और 500 से ज्यादा, 550 से ज्यादा मस्बत के जब सामने आए तो इंतजामिया भी काफी अलर्ट पर आ चुकी है। जहाँ जम्मू कश्मीर को लेकर अगर हम बात करेंगे तो पिछले 24 घंटों के दौरान 561 नए मस्बत मामले सामने आए हैं, जबकि दो अफराद की मौत भी हुई है। इसके साथ ही मौत के साथ साथ ही अगर हम बात करेंगे इंतजामिया की जानिब से कई अहम इकदाम भी उठाए गए हैं। इंतजामिया ने इंडोर स्पोर्ट्स खेलों पर पाबंदी की है जम्मू कश्मीर के अंदर, साथ ही साथ सभी टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को कोरोना वैक्सीन लगाने की हिदायत दी है और जो और इसके साथ ही सेक्रेटरी के सभी मुलाजमीन यानी कि दरबार मुंह से कबल ही जो भी मुलाजमीन है काम कर रहे हैं उन्हें भी कोरोना वैक्सीन कोरोना मुखालिफ टीकाकारी में वो वैक्सीन लगाने की हिदायत जारी किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में आलमगीर वबा यानी वायरस का कहर लगातार जारी है, मजीद 561 मस्बत मामले, दो मरीजों की मौत भी हुई है, मुतासरीन की तैदाद लगातार बढ़ रही है, 34,000 से तजावुज कर चुकी है यानी आप 30,000 को पार कर चुके हैं और मजमूई तौर जब आप इसको पिछले हफ्तों के दौरान देखेंगे तो क्या कुछ था आपके सामने सारी चीज़ें जो हैं वो आएंगी। लेकिन इस बीच इंतजामिया ने फैसला ये लिया है कि इंडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जितनी भी है यानी इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम के अंदर जो कामकाज होता था जिस तरीके के खेल कूद होते थे उस पर फिलहाल पाबंदी आयद कर दी गई है। सिविल सेक्रेटरी के सभी मुलाजमीन को ये कहा गया है कि मुँह से कबल वो कोरोना वैक्सीन जो है वो ज़रूर लगवाएंगे और न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी के अंदर भी कोरोना का कहर तेजी के साथ बढ़ रहा है और 50 नए केसेस के बाद वहां पर भी डू एंड डोंट्स की एक लंबी फहरिस्त जो है वो जारी कर दी गई है। सरकार की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से ये जो आलमी वबा इस वक्त दोबारा से दस्तक दे चुकी है इस पर काबू किया जाए, लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से इस पर काबू किया जाएगा क्योंकि आने वाले 4 हफ्तों के बारे में मरकजी हुकूमत खुद ये मान रहे हैं कि इंतहाई खतरनाक सूरत हाल सामने आ सकती है।